हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए बटरफ्लाई का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही कम कॉर्ड में बन जाता है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर के 4 ऑरेंज कॉर्ड कट किए हैं और यहाँ पे 1 मीटर के 2 व्हाइट कॉर्ड कट किए हैं और ये हमने 20 सेंटीमीटर के 2 इस तरह के व्हाइट कॉर्ड लिए हैं। लाइटर, सीजर, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये छोटा सा कॉर्ड का टुकड़ा लेके यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हम फर्स्ट हम ऑरेंज कॉर्ड लेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे नीचे से और इसको फिर से हम ऊपर से इस तरीके से रख के नीचे से कॉर्ड को निकाल लेंगे। फिर दोनों इस साइड का कॉर्ड लेके हम पाइपिंग लगा लेंगे। फिर इस साइड का भी कॉर्ड लेंगे और इस साइड हम पाइपिंग लगा लेंगे। व्हाइट कॉर्ड लेंगे, नीचे से रखेंगे, ऊपर से इस तरीके से रख के हम ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। फिर ये साइड वाला कॉर्ड लेंगे और इधर हम पाइपिंग लगा लेंगे। दोनों साइड हम इस तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। फिर से हम एक ऑरेंज कॉर्ड लेंगे, नीचे से रखेंगे, ऊपर से इस तरीके से रख के हम निकाल लेंगे, दोनों साइड से पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम यहां भी एक तरफ इसी तरीके से एक ऑरेंज कॉर्ड, एक व्हाइट और एक ऑरेंज कॉर्ड इसी तरीके से इस तरफ भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों तरफ से कॉर्ड अटैच कर लिए हैं। इसको हम यहाँ से हम फर्स्ट कॉर्ड लेंगे, इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन पाइपिंग लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड लाइन ये से फर्स्ट कॉर्ड लेंगे, ये देखिए तरीके से हम ये फर्स्ट लाइन का जो ये कॉर्ड है इसको हम इस पे पाइपिंग लगा लेंगे। फिर से हम यहाँ पे थर्ड लाइन में आएंगे,
फिर से ये हमारा जो सेकंड लाइन का है ये कॉर्ड, इसको भी हम लेंगे नीचे से और इससे भी इस पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। फिर से हम यहां से फर्स्ट कॉर्ड लेंगे, इस पे हम पाइपिंग लगाएंगे। और फिर हम ये देखिए इसको भी लेके हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लाइन पाइपिंग बना लिए हैं। अब इस साइड भी हम जिस तरीके से हमने यहां बनाया है उसी तरीके से हम इसको भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड से यहां पे 1 2 3 4 5 5 लाइन पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहां पर ये देखिए ये एक इस साइड का और एक इस साइड का ये लेंगे और इसको हम इस तरीके से रख देंगे। और यहां पे हमने जो छोटा सा टुकड़ा लिया था इसको लेंगे और ये दोनों साइड से हम इसमें इस तरीके से गांठ लगा लेंगे। इस साइड भी लगा लिए, अब इस साइड भी इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से बना लेंगे और इसको बराबर में रख के हम इसका यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से इस साइड का रख के हम इसको इस तरीके से नीचे रखेंगे। फिर ऊपर से हम ये देखिए इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे और फिर से हम इस कॉर्ड पे हम पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ये देखिए इस तरीके से लूज करते हुए हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए अब फिर से हम यहां से कॉर्ड लेंगे और इस पे हम पाइपिंग लगाएंगे। और ये जो हमारा ये फर्स्ट लाइन का ये कॉर्ड है इसको भी हम इस पे पाइपिंग कर लेंगे। फिर से हम फर्स्ट कॉर्ड लेंगे और इस पे पाइपिंग लगाएंगे।
और फिर से हम इस कॉर्ड पे को भी लेकर हम इस पे पाइपिंग लगा लेंगे। और फिर से हम यहाँ से कॉर्ड लेंगे, इस पे पाइपिंग लगाएंगे। फिर से ये कॉर्ड लेंगे, इससे भी हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको छोटा साइज का बनाना हो तो यहाँ पे हम 4 लाइन पाइपिंग करके बनाएंगे, अगर बड़ा साइज का बनाना हो तो हम 5 लाइन पाइपिंग करके बनाएंगे। यहाँ पे मैं बड़ा साइज का बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे 5 लाइन पाइपिंग लगाएंगे। फिर से हम यहाँ से लेंगे, इस पर पाइपिंग लगाएंगे। फिर से ये कॉर्ड लेंगे, इस पर हम भी पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लाइन पाइपिंग लगाकर बना लिए हैं। अब सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी, जिस तरीके से हमने इस तरफ पाइपिंग लगाकर बनाए हैं, इस तरफ भी उसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने यहाँ पे 5 5 लाइन पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। इसको हम सभी को कट कर लेंगे। इसको भी हम दोनों साइड से भी कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी हम गांठ लगा के जो बनाए हैं उसको भी हम यहाँ से स्टिक कर लेंगे। ये देखिए देखिएगा बन के आया है। और ये देखिए यहाँ पे हमने 4 लाइन पाइपिंग लगा के बनाया है, इससे स्मॉल साइज का। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।